अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफत जुलेखास किचन डॉट कॉम से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ऑन नोटिफिकेशंस पर। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बढ़िया सा डिफरेंट सा कटलेट जिसका नाम है चिकन चाइनीज कटलेट। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही डिलिशियस है, झटपट भी बन जाती है और आपके घर के हाजिर मसाले और सॉसेस के अंदर तो झटपट बन जाएगी और आप बहुत एंजॉय करेंगे। इनफैक्ट बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे। मैं एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखिए क्या बढ़िया से डिलिशियस लग रहे हैं। मैं खा के चेक कर लेती हूँ, क्या मज़ेदार लग रहे हैं माशाल्लाह टेस्ट में भी। अच्छा, कुछ मैंने रमज़ान की रेसिपीज मेरे चैनल पर अपलोड की है, आप लोगों के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं ये वाली रेसिपी एकदम झटपट। कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए, उसमें डाल दीजिए आधा किलो धोया हुआ नितरा हुआ चिकन का कीमा, थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ मैं चुटकी भर, नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। वैसे ये घर में बना हुआ है, इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को, और इसे तब तक पकाइए जब तक ये जो चिकन का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। जब चिकन का कलर चेंज हो जाता है तो चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर इसे तकरीबन 10-12 मिनट तक पकने दीजिए, तो वो खुद के पानी के अंदर सूख भी जाएगा और पक भी जाएगा। अगर आपको लगे पानी डालने जैसा तो बीच में हल्का पानी डाल दीजिएगा। चलिए 12-13 मिनट के बाद खोलकर चेक कर लीजिए। ये देखिए मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, तब भी हल्का भिजभिजा मुझे लग रहा है। देखने से तो चिकन गल चुकी है ऐसा लग रहा है। मैं चूल्हा मीडियम आंच कर देती हूँ और ये जो पानी है ना पूरी तरीके से जो भिजभिजापन लग रहा है ना वो पूरी तरीके से ड्राई आउट कर लीजिए। बार बार चलाते रहिए और जब ऐसा लगे ना चिटकने जैसा तब बंद कर दीजिएगा। ये देखिए चिकन भी बहुत अच्छे से हो चुकी है, ये देखिए ड्राई आउट हो चुका है, नीचे चिटक रहा है। तो मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और थोड़ी देर ऐसा खुला ही रहने दीजिए कि थोड़ा ठंडा हो जाए। एक बड़े से पात्र के अंदर मैं 3 बड़े साइज के आलू डाल रही हूँ, बॉईल करे हुए हैं, छिलके निकाल कर मैश करके डाल रही हूँ। ये 600 ग्राम से 650 ग्राम है। आप चाहें तो 5 मीडियम साइज आलू को बॉईल करके छील के इसमें मैश करके डालें। अब ये जो चिकन हमने सारी पका के रखी है वो डाल दीजिए। यह है कुछ सब्जियां, गाजर आधा कप है, आधा कप कैबेज और आधा कप शिमला मिर्च है, आधा कप बॉईल करे हुए नूडल्स है। ये सब्जियां मैंने बहुत बारीक बारीक काटी है और थोड़ी सी कोथमीर है। ये सारी चीजों को डाल दीजिए, जैसे नूडल्स है, कैबेज है, शिमला मिर्च है और गाजर है। चार चीज को डालने के बाद यहाँ पर आप डाल दीजिए थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, 1/4 या आधा छोटे चाय चम्मच के दरमियान काली मिर्चों का पाउडर, मैं कम ही डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून, और यहाँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च मैं एक डाल रही हूँ, आप चाहें तो कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 3/4 या 1 छोटे चाय चम्मच विनेगर, 1 टेबल स्पून शेजवान चटनी या शेजवान सॉस डाल दीजिए, 1 टेबल स्पून जितना टमाटर केचप, टमाटर सॉस जिसे कहते हैं वो डालकर सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ऐसा मिक्स कीजिए कि आलूओं में गुठलियाँ ना रहे। अब चख लीजिए, अगर कुछ कम या ज़्यादा लगे तो वो डाल दीजिए। मुझे टमाटर सॉस थोड़ा कम लग रहा है, बैलेंस कम लग रहा है, तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून जितना टमाटर सॉस केचप डालकर मिक्स कर रही हूँ। आप मिर्च कम लगे तो चिली सॉस डाल दीजिएगा या शेजवान चटनी डाल दीजिएगा। और मिक्स कर अब मैं थोड़ी सी कोथमीर डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने डाली नहीं थी। आप चाहें तो स्प्रिंग ऑनियंस बारीक काट कर डाल सकते हैं। और बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद दूसरी तैयारियाँ कर लें। जैसे एक बड़े से बाउल के अंदर यहाँ मैं 2 अंडे फोड़ कर डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, 1 टेबल स्पून जितना दूध डालकर इसे बहुत अच्छे से फेंट कर साइड पर रख दें। यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं बारीक वाले, आप चाहें तो पैनको वाले भी ले सकते हैं। थोड़ा सा तेल लगाइए हाथों में और एक छोटा सा पोर्शन लीजिए हमारे चिकन कटलेट मिक्सचर का, और इसे इस तरीके से पहले बॉल बनाइए। बॉल बनाने के बाद ऐसे चपटा करते जाइए। आपने कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है, वो आपके हिसाब से आप बनाइएगा। मैं इतनी इतनी साइज बना रही हूँ, बड़े बड़े बनाएंगे तो कम बनेंगे, ऐसे छोटे बनाएंगे तो ज़्यादा बनेंगे। ये सारे इस तरीके से बना बना कर साइड पर रखते जाइए। तकरीबन 17 चिकन चाइनीज़ कटलेट बने हैं,
आप चाहें तो इस समय फ्रिज में रख सकते हैं, अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो। मैं यहीं से ही शुरू कर रही हूँ, तो एक कटलेट लीजिए, ये जो अंडे का मिक्सचर हमने बना के रखा है इसमें उलट पलट करके अच्छे से डिप कीजिए, फिर आप ब्रेड क्रम्ब में डाल के अच्छे से उसे रोल कीजिए, और ये बन गया हमारा एक चिकन चाइनीज कटलेट। इसे साइड पर रखें, इसी तरीके से सारों को अंडे में लगाएं लोटे, और ब्रेड क्रम्ब में रोल कर कर साइड पर रखते जाएं। चलिए ये सारे बन चुके हैं माशाल्लाह। आप चाहे तो इसे डीप फ्रीज भी कर सकते हैं, तकरीबन 1 महीने तक रख के खा सकते हैं अगर आप कोथमीर डाल के किए हो तो। आपने क्या करना है, एक प्लास्टिक का डब्बा लीजिए, नीचे शीट बिछाइए प्लास्टिक की, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल वाला हाथ करके इन सारों को डालकर ढक कर फ्रीजर में रख दीजिए। अगर आप स्प्रिंग ऑनियंस डालते हो ना, तो आप कुछ दिन के लिए ही फ्रीज कर सकते हो, नहीं तो पानी छूट जाता है बाद में। पर मैं फ्राई अभी ही कर रही हूँ, तो एक पैन के अंदर तेल डाल दीजिए, अच्छा गर्म हो जाए फास्ट आंच पर, तो चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर दो तीन एक एक करके ये डाल दीजिए कटलेट्स हमारे चिकन चाइनीज वाले। ज्यादा मत डालिएगा, 3-4 एट अ टाइम डालें, आधे 1 मिनट तक उसे फ्राई होने दें, उसके बाद टच कीजिएगा, मीडियम आंच पर ही पकने दें। जब आधा 1 मिनट हो जाए तो इन्हें पलट दें और उलट पलट करते जाए कुछ कुछ टाइम के बाद, और जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए, क्योंकि जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन होंगे तो अपने आप क्रिस्पी हो जाएंगे क्योंकि मीडियम आंच पर पक रहे हैं। इसी तरीके से सारे फ्राई कर लिए बैचेस के अंदर। अच्छा, मैंने चिकन कीमा का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने 2 से 4 बार है ना बॉईल करी हुई चिकन अदरक लहसुन में होती है ना, उस वाले के हिसाब से भी मैंने बनाया है ये रेसिपी, वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप चाहें तो बॉईल करे हुए जो चिकन आती है उसको श्रेड करके भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो स्पाइसेस वगैरह डाले वो अपने स्वाद अनुसार डाले हैं, सॉसेस और स्पाइसेस अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा। तो ये देखिए कितने बढ़िया से बन गए ना खूबसूरत हमारे चिकन चाइनीज कटलेट। अभी इसे आप चाहे तो शेजवान चटनी के साथ सर्व करें, या फिर किसी भी चटनी के साथ सर्व करें, या फिर टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं या फिर आपको अच्छी भी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।